आपको एक बड़ी खबर बता दें, जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ब्रेकिंग न्यूज, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का देखिए मामला बताया जा रहा है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, हाईकोर्ट में आज होनी है याचिका पर सुनवाई। तो हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी, रेणु डाकलिया और अन्य की है विविध आपराधिक याचिका जिस पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने कुछ याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर देखिए रोक लगाई है और उसके बाद इस पूरे मामले को कोर्ट में सुना जा रहा। हाईकोर्ट के रास्ते पर संजीवनी की पीड़ित कर रहे हैं प्रदर्शन, ये तस्वीर भी देखिए सामने आ रही है और ऐसे में हाईकोर्ट में देखिए सुनवाई भी इस पूरे मामले को लेकर। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये मामला है जोधपुर से इस वक्त की देखिए बड़ी खबर बता रहे, जिसमें हाईकोर्ट में आज होनी है याचिका पर सुनवाई। कुछ लोगों की देखिए गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक भी लगा रखी है, रेणु डाकलिया और अन्य की है विविध आपराधिक याचिका। और हमारे संवाददाता ललित जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, यहाँ पर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कहा जा रहा है जो पीड़ित है वो प्रदर्शन पर भी यहाँ पर दिख रहे हैं और इसी के साथ आज जो कोर्ट में कुछ होगा, क्या कुछ तस्वीर हो सकती है? शिवांगी, ये याचिका लगाई गई है इस मामले में खारिज करने के लिए कि जो याचिकाकर्ता है इंदु डाकलिया और अन्य लोग, इन लोगों को अपनी गिरफ्तारी का डर था और उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ ये मामला नहीं बनता है, इसलिए इस मामले को उनके खिलाफ खत्म किया जाए। शुरुआती स्टेज पे पहली सुनवाई हुई तो उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। हालांकि जिस मामले की जांच कर रही एजेंसी एसओजी ने ये कहा था कि वो इनको गिरफ्तार करने का इरादा उनका नहीं है। एक्चुअली कुछ समय पहले तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके दो सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद में जो याचिकाकर्ता है उन लोगों को भी गिरफ्तारी का भय सता रहा था, इसीलिए ये याचिका लगाई धारा 482 के तहत और इसमें स्टे मिल गया। आज बताया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील आकर पैरवी करेंगे। देखना ये होगा कि क्या आज स्टे को बरकरार रख पाएंगे और मामले को खत्म करने के लिए जो एफआईआर क्वेस्ट करने के लिए जो ये याचिका है मूल रूप से जो मिसलेनियस पिटीशन जिसे कहा जाता है, तो वो आज उसमें वो सफल हो पाएंगे या अगली पेशी में मामला चला जाएगा। इस दौरान जो इसके पीड़ित लोग हैं, जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जिनका पैसा फंसा हुआ है, हजारों लोगों का पैसा है जिसमें 950 करोड़ रुपए की करीब कुल रकम बताई जाती है, तो उनमें से कुछ लोगों ने हाईकोर्ट से थोड़ी दूरी पर प्रदर्शन भी किया और उसमें मांग की कि अपराधियों या जो इनका पैसा दबाया बैठा उनसे पैसा दिलवाया जाए। हालांकि जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो अभी जेल में हैं, उनको जमानत भी नहीं हुई है, लेकिन पीड़ितों ने मांग की है कि इस मामले में उन्हें न्याय दिलाया जाए और उनका फंसा हुआ पैसा वापस दिलाया जाए। शिवांगी, ठीक है, देखिए ललित, यहाँ पर जो मांग है उस मांग को देखिए कैसे यहाँ पर अभी कोर्ट देखता है और इसके आगे क्या कुछ फैसला होता है, लेकिन फिलहाल भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियों पर भी कहा जा रहा है कि रोक लगाई गई है। जी बिल्कुल, जो याचिकाकर्ता इंदु डाकलिया और अन्य है इनकी गिरफ्तारी पर पिछली सुनवाई में रोक लगा दी थी और अब अगली सुनवाई जो आज है इसमें इनकी गिरफ्तारी पर रोक की डेट बढ़ाई जाएगी या कोर्ट इसको खत्म कर देगी या फिर इस मामले को खारिज करने के लिए जो एफआईआर जो क्वेस्ट करने के लिए है ये याचिका, उस पर कुछ आज कोर्ट निर्णय करेगा, ये पता चल पाएगा शाम तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारियों के लिए आपका फिलहाल। तो हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले में देखिए सुनवाई होनी है।